Audio Jungle. कुकिंग क्रेज विद नाहिद के साथ, नाहिद आपके साथ है। और आज बहुत छोटी सी एक वीडियो है, टिप भी कह सकते हैं आप इसे, और वो है आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सिंपल चॉकलेट सॉस या चॉकलेट गनाश केक के लिए किस तरह आप बना सकते हैं, और वो भी सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स से। ठीक है, और बस शुरू करते हैं जल्दी से। ये मेरे पास जो है डार्क चॉकलेट है, जिसे मैंने अच्छी तरह जो है थोड़ा सा मोटा मोटा सा चॉप कर लिया है। डार्क चॉकलेट के हवाले से भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह आप लोगों को गाइड करने के लिए। और ये मेरे पास हैवी क्रीम है, टेट्रा पैक क्रीम है, मैंने ऑल पर यूज़ किया है। और ये ही मेरे पास एक कप है, और इतना ही बराबर जो है वन कप जो है मेरे पास टेट्रा पैक क्रीम है। आप इस रेशो को इसी तरह बढ़ा सकते हैं, अगर ये टू कप करें तो इसे भी टू कप कर लें। ये जो मैं आपको गनाश दिखा रही हूँ, ये 1:1 का गनाश है। ठीक है, तो इसको मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। इसे आप चॉकलेट सॉस भी कह सकते हैं। आप इतने महंगे चॉकलेट सॉसेस जो बाहर से लेते हैं, उसके बजाय आप खुद घर में ये रेडी करके रख सकते हैं, और बहुत ईजी है। ग्राम में भी तमाम तर मेजरमेंट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और ये वही चॉकलेट सॉस है जो मैंने अपने चॉकलेट डे एंड नाइट केक में यूज़ किया था। इस केक को अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक भी आपको दे दूँगी। ठीक है, ये देखिए मैंने व्हिप क्रीम को इस तरह एक पैन में लाइट सा, एक बिल्कुल लाइट सा बॉयल आने तक जो है, बिल्कुल एक जैसे बबल्स आने लगे, मैंने इसे गर्म कर लिया। आप माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं, और फिर मैं इसे चॉकलेट में ऐड करूँगी। ये देखें मैंने इसे चॉकलेट में ऐड कर दिया। अब इसे मुझे जल्दी जल्दी विस्क से चॉकलेट के साथ मिलाना है, और इस बात का बहुत ख्याल रखें कि आपका क्रीम जो है वो गर्म होना चाहिए, थोड़ा सा वॉर्म जिसे कहते हैं ना, वो होना चाहिए। इसे जल्दी जल्दी मिलाएं आप, ताकि ये पूरा तमाम चॉकलेट जो है इसके साथ मिक्सअप हो जाए इस तरह। ये देखें बिल्कुल जस्ट 2 मिनट में मेरा ज़बरदस्त चॉकलेट सॉस जो है, ये देखिए कितना स्मूथ बनकर तैयार है। अगर आपको इसे थोड़ा सा पतला करना है, तो फिर आप रनी करना है तो आप इसमें थोड़ा सा हॉट वाटर अपने अंदाजे से ऐड करके यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इसे थिक करना चाहते हैं, तो फिर मैं आपको थिक गनाश की रेशो भी बताऊँगी और सिखाऊँगी। और देखिए स्मूथनेस है इसमें, और मैंने कोई एक्स्ट्रा कलर भी नहीं दिया। आपको मैं क्लोज करके दिखाती हूँ, देखिए शाइन देखिए। और ये मैं केक पे भी पोर करूँगी, तो आप